हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ हमेशा की तरह सारे भाई बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अपनी अलग होने वाली है और वीडियो से, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को रोबोट की हेल्प से एक पोर्ट्रेट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। इस टाइप की फोटो एडिटिंग जो कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा देखी होगी, इसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दिख गए होंगे। लेकिन इसको कैसे एडिट करना है और ये मैनुअली और ऑटोमेटिकली कैसे वर्क करता है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जस्ट आप लोग ना अपने रोबोट को कमांड दोगे और आप लोगों को बहुत ऑटोमेटिकली तरीके से ये अपने फोटो को बना देगा, जैसे इस तरीके से बहुत सारी क्रिएटर्स वगैरह एडिट करके डाल रहे हैं। मैं आप लोगों को ना स्टेप बाय स्टेप सब चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बहुत इजी वीडियो है, आप लोगों को ए टू जेड समझ में आ जाएगा। तो बस आप लोगों को ना शुरू से लेकर एंड तक देखना, और सच्ची में गाइज आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना तो आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी इसको एडिट करने में। बस आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। ओके, जब आप लोग अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर जाओगे तो डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, जस्ट मैं यहाँ से ओपन करूँगा एंड उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप लोगों को टैप कर देना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ईमेल का और एक फ़ोन नंबर का। जिस भी चीज़ से आप लोग अप्लाई करना चाहते हो इस चीज़ को कंप्लीट करो। नाउ यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। फिर कुछ आप लोगों से वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा तो उस चीज़ को भी आप लोगों को कंप्लीट कर देना है। बार बार आप लोगों को वेरिफिकेशन देना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा सेफ है, और आप लोगों को गाइस प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आप लोग रोबोट हो कि नहीं। यहाँ पे आप लोगों को सनफ्लावर जितने भी दिखेंगे सबको फिल कर देना है एंड उसके बाद अगेन आप लोगों को यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर टैप करना होगा। नाउ यहाँ अपने OTP को भी आप लोगों को फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यूज़र नेम मांगेगा, तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम भर देता हूँ। देख सकते हो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहाँ से फॉलो कर सकते हो। पासवर्ड मैं अगेन यही रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं पासवर्ड वगैरह भूल जाता हूँ, तो मैं यही रखूँगा। इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। नाउ यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। अब आप लोगों को अपना रियल डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी आप लोग रखना चाहते हो, बस 18 प्लस रखना आप लोग। तो मेरा है 10 मई 2003, तो इस चीज़ को भी मैं कंप्लीट करता हूँ, May 2003। उसके बाद आप लोगों को कन्फर्म के ऊपर टैप कर देना है, क्रिएट एन अकाउंट। फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग एक इमोजी को सेट कर देना, जो भी आप लोग रखना चाहते हो। और यहाँ पे आप लोगों को ना अपना फ़ोन नंबर और क्या कहते हैं यूज़र नेम वगैरह भी अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अगेन वही नेम रखना है जो कि आप लोगों ने फर्स्ट में रखा था। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्किप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप लोगों को एक अपना सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग अपना मिड जर्नी में जाके करेंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। प्लस वाले सेक्शन के ऊपर आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड टॉप में दिखेगा, इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट माई ओन के ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद आप लोगों को स्किप द क्वेश्चन, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों का सर्वर आप लोगों का दिख जाएगा, तो मेरा साजिद अली सर्वर है, मैं क्रिएट सर्वर के ऊपर टैप करूँगा। ओके, तो हमारा जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। नाउ यहाँ से मैं स्किप कर दूंगा, इतना वर्क अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन पर आना है और यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है Midjourney। तो ये रहा Midjourney, हम लोग इसके ऊपर टैप करेंगे। फर्स्ट में ही आप लोगों को वेबसाइट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना और स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फर्स्ट पे आप लोगों को दिखेगा ज्वाइन द बीटा, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले अपनी एक्सेप्ट इन्वाइट को कम्प्लीट करना, फिर आप लोगों को कन्फर्म के ऊपर भी क्लिक कर देना है। ओके, फिर आप लोगों का कुछ इस तरीके का प्रोफाइल खुल के आएगा। लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आप लोगों को तीन एरो दिखेंगे, इसके ऊपर आप लोगों ने टैप कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे सेक्शन दिखेंगे न्यू बेस का। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, और इसमें भी आप लोगों को बहुत सारे वैरायटी के प्रोफाइल मिलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, जो भी आप लोगों को बेस्ट लगे आप लोग वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो, आपके नाम का भी ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके गाइज, एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये वाला प्रोफाइल सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। अब आप लोगों को उससे पहले सर्वर को कनेक्ट करना है, तो राइट हैंड साइड आप लोगों को ह्यूमन का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर टैप कर देना है। ओके, ये रहा, इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ऐड टू सर्वर, जो भी कि आप लोगों ने सर्वर बनाया था ना वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ को फिलअप कर देना है। तो मेरा ये वाला सर्वर रहा, मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा एंड जो भी आप लोगों का ऑथराइज मांगेगा सब चीज़ को आप लोगों ने फिलअप कर देना है। अब ना गाइज यहाँ पे आप लोगों को अपना कमांड देना है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे स्लैश लगाना है, मतलब ना रोबोट को आप लोग जो भी कमांड दोगे ना उस तरीके से फोटो को ये बना के देगा। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, ये वाला एरो देना है, उसके बाद आप लोगों को लिखना है इमेजिन। ओके, कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये देना है, उसके बाद इस चीज़ को कर देना सेंड। ओके, एंड सेंड करने के बाद आप लोगों को ना अपने टूल को एक्सेप्ट करने पड़ेगा, तो नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा एक्सेप्ट टूल, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है एंड ये थोड़ा सा वेट लेगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को रुकना है।
तो ये चीज़ भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को फोटोज़ वगैरह भेजना है तो अपने प्लस वाले सेक्शन के अंदर चले जाना और जो भी आप लोग फोटोज़ वगैरह रखना चाहते हो वो चीज़ को आप लोग इसको सेंड करो। तो जैसे कि मैंने थंबनेल में लगाया था ये वाला फ़ोटो, तो मैं इसी को सेंड करूँगा। ओके, इसको सेंड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ना कुछ इस टाइप का मतलब अपने फ़ोटो का कॉपी करना पड़ेगा, URL कॉपी करना पड़ेगा। तो ये पूरा 100 आप लोगों का होगा। अब इसका URL कैसे कॉपी करना है, फोटो के ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद 3 डॉट पे जाना और यहाँ पे आप लोगों को शेयर का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही शेयर पे जाओगे तो इस चीज़ को आप लोगों को कॉपी URL कर देना है। अभी रोबोट को सेंड करना है तो आप लोगों को यहाँ पे जाना है। सबसे पहले अगेन आप लोगों को वही स्लैश इमेजिन ओके, और यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अपना जो भी URL होगा उसको पेस्ट करना। अब यहाँ पे आप लोगों को एक मेन वर्क करना है, जो भी फोटो आप लोग बनाना चाहते हो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग, जो जो भी चीज़ ना फोटो के अंदर रखना चाहते हो वो सोच लो। एग्जांपल के लिए ये फोटो है, इसमें जैसे कि अपना एक लड़का है उसके बाद ये रनिंग कर रहा है, तो इसी तरीके से ना आप लोगों को अपना एक विजुलाइज करना है। जैसे कि फोटो में रखना चाहते हो मून, रखना चाहते हो नियोन लाइट, कैट, टोडलर, साइबरपंक, जो भी आप लोग रखना चाहते हो वो सोच के ना जस्ट आप लोगों को रखना है। रखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक कॉमा दिखेगा, कॉमा देना है। अब जो जो चीज़ रखना है वो रखना। मैं यहाँ पे सब चीज़ें टाइप कर लेता हूँ। ओके गाइज, जो जो चीज़ मैंने रखा है आप लोग देख सकते हो, सेम इसी तरीके से रख सकते हो जो भी आप लोग रखना चाहते हो। उसके बाद आप लोगों को स्पेस देना है और यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ को 2 बार टैप कर देना एंड आप लोगों को यहाँ पे वी देना है। तो मैं वी दूंगा, फिर एक स्पेस और यहाँ पे आप लोगों को 4 देना है। 4 देने के बाद इस चीज़ को आप लोगों को सेंड कर देना है रोबोट को। कुछ टाइम आप लोगों को रुक जाना है, उसके बाद फिर आप लोगों का ये 0 to 100 होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोटो है ना वो बनना स्टार्ट हो चुका है। I mean ये फोटो तो नहीं है हमारा, कुछ टाइम आप लोगों को वेट करना है। ओके, कुछ टाइम वेट करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो जो जो चीज़ मैंने सोचा था वो रोबोट ने बना के दे दिया। मैंने कैट सोचा था, नियोन लाइट सोचा था, ठीक है ना। इस तरीके से जो जो चीज़ आप लोग रखना चाहते हो वो सोच लेना। तो अभी हमारा फोटो ये रहा और इसके ऊपर आप लोगों को टैप कर देना है। लेकिन ये जो फोटो है ना मतलब चारों इकट्ठे, तो इसको हम लोगों ने पूरा HD तरीके से और एक एक डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों को V4 का ऑप्शन दिखेगा, U1, U2, U3 और U4 जो भी आप लोगों को रखना है वो सब चीज़ आप लोग रखना चाहते हो। तो मेरे को चारों फोटो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है, तो मैं यहाँ पे सबके ऊपर टैप करूँगा स्टेप बाय स्टेप। U1 हो गया, U2 हो गया, U3 हो गया और U4 भी आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ सेकंड रखना है, देन उसके बाद पिक है ना। मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि इस तरीके से होगा। ओके गाइस, कुछ टाइम वेट करने के बाद अभी हमारा जो फोटो है ना वो डाउनलोड हो चुका है। ये फोटो आ चुका है, इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट आप लोगों ने इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद राइट हैंड साइड आप लोगों को 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। इस तरीके से आपका जो पिक है वो गैलरी के अंदर आ जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हो मैं इसके ऊपर टैप करूँगा। इसी तरीके से चारों फोटो आप लोगों को ऐसे ही कर लेना है। गाइस, वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और ये जो फोटो एडिटिंग है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, पोर्ट्रेट AI अवतार, तो गाइस कॉमेंट करके ज़रूर से बताना।